मेरा छोटा एक बेबी है 6 मंथ का, मैं उसको ले लेके आती हूँ बोल के बोली। बच्ची वहाँ से गुजर रही थी सर, वो लड़के के घर के सामने से, तो उन्होंने बोले के डैडी आपके वास्ते कुछ रखे हुए है, ये ले लो मैं दे रहा हूँ बोल के बोले। तो उन्होंने ठीक है मामा बोले, उन्होंने डोर खोल के बच्ची को अंदर बुला लिए, बुलाने के आगे का भी डोर लॉक कर लिए, पीछे का भी डोर लॉक कर लिया और अपने शर्ट उतार दिए। बच्ची को गोद में उठा के स्विच ऑफ करो, ऑन करो और वो निकालो, ये निकालो, आईना निकालो बोल के बोल रहे थे करते बच्ची को। इधर उधर बच्ची को टच कर रहे थे, उन्होंने घबरा के रोना चालू कर दिया, बोले मेरे को मम्मी के पास जाना है, आप प्लीज डोर खोलो बोले। उन्होंने खाली नीचे उतार दी, जिन्होंने डोर खोल के भाग के आ गया सर। बच्ची उधर से जाते जाती अरबी को जाती, मम्मी के पास जाती हमारे, तभी भी उसको पूछ रहे थे करते, टारगेट में रखे थे सर। मेन पॉइंटेड बात यह है कि उसको टारगेट में रखा था वो बच्चा। असगर है उसका नाम, 28 है एज, उसी बस्ती का है, एक दो गली का फासला है हमारे और उनके घर के दरमियान में, टारगेट में रखा। इससे पहले वो बच्ची को पूछा करते, आप मम्मी के पास जा रहे हैं ना, आप नानी के पास कितने बजे वापस होते हैं, या फिर आप अरबी को जा रहे हैं ना, रिटर्न कितने बजे होते हैं। तो जब भी वो लोग भाई बहन के साथ जाते थे ना, कम्फर्टेबल थे, लेकिन आज क्या हो गया, उन्होंने अकेले चले गए, इस वजह से बच्ची उसके हाथ में लग गई। भाई रहता बहुत पुराना बच्चा है, काम धंधा है, गाड़ियां चलाता, लेकिन मिनिमम 2-3 महीने से तो घर के पास ही रहता। नो पुरानी दुश्मनी भाई कुछ भी नहीं थी, बस ही मामा मामा बोलती थी, हम मैं भी भाई के जैसा समझती थी, हमारे घर वाले भी बहुत रिस्पांस देते थे बच्चे को। कैसा मालूम हुआ जी? आगे बोली जी, मैं जब घर गई बच्ची सहमी बैठी हुई थी, मैं पूछी बेटे क्या हुआ, तो ये सारा वाकया बयान करी बच्ची। अपना कंप्लेंट कर दिए? जी हाँ, हम लोग कंप्लेंट तो करे पीएस में यही बोल रहे कि कंप्लेंट तो कर दिए ना, हम लोग आगे का मैटर देख लेते, आप लोग मीडिया में मत जाओ बोल के बोले। लेकिन मैं मीडिया में इस बात से लाना चाह रही हूँ, उसको फेस कराना चाह रही हूँ उसको, कि उन्हें आइंदा ऐसा ना करे। जो बस्ती में हम लोग रहते ना, वो बस्ती में हमारे से भी कहीं कहीं दूसरे लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, किसी के पास ऐसी हिम्मत भी ना होती कि वो कुछ बोल सके, आगे आ सके। इसीलिए मेरी बच्ची पे हुआ, आगे उसी बच्ची को ऐसा उन्हें नहीं करना, ये मैं चाह रही हूँ। उसको इतनी सजा दियो, ऐसी सजा दियो कि जिंदगी में कभी मासूम क्या कोई बड़ी बच्ची को भी नजर उठा के नहीं देखना। उनको तब से कॉल कर रहे हैं 7 o'clock से, अभी तक वो आने का नाम नहीं है। आपको मीडिया में बयान देने के लिए कोई प्रेशराइज करेगा? नो सर, मैं प्रेशराइज करे, मैं खुद मेरी तरफ से बयान दे